धा टंका न देबाकु करथिले ब्लूप्रिंट टंका नेबाकु कहि घर को डाकिले योजना मुताबक बाहर पटु कबाटो बंद करि देले टंका न दे बलात्कार अभियोग कले गोड़ हाथ तो बांधि निस्तुक माड़ मारे पांच लक्ष टंका देले छाड़ी देबु कहिले टंका धार उधार को नहीं विभिन्न समस्या मध्य देखा मिली एमती कि मर्डर करने को भी पछाई नहांती एमती एक घटना घटी केन्द्रापड़ा जिला जम्बू सामुद्रिक थाना अधीनस्थ बेतबेलारी ग्रामर नीताई मिर्धा ग्रामस्थ अटल जेना पर असुविधा दर्शाई देढ़ लक्ष टंका हाथ तो उधारी नहीं प्रदीप कुमार दास शनिवार दिन समस्या सारंकर समस्या कौन थी मुझे जाननी मुझे जान ली सारंकु कौन से बसई रखी कि सार बस पैसा देते डेढ़ लक्ष टा धार सूत्र देते नवेम्बर 2 तारीख दिन मो घर को आसती मुझ तार गोटा एम भरवाली हाथ बंड पेपर हाथ कागज लिखी मुझे तादर अच्छी साक्षी देती से डेढ़ लक्ष टा धार हाँ तो गाड़ी किस्ती दे पार ना बोली कहला मुझे धार सूत्र नौ छस भर मुझे पैसा देदेवि नवेम्बर डिसेम्बर जनवरी फेब्रुवरी मार्च एप्रिल एप्रिल मस तार म्याद पूरी गला एप्रिल लास्ट दवा कथा न दे फल अटल सार दी तीन थर गले आसिक मत भी दी तीन थर कहते सर मोटे प्रदीप से पैसा दौनी आज मत भारी हरण कर लोक बस तुम पैसाटा नहीं बंड पेपर करदे पैसाटा लोक बस कहला हाँ आज कही दब बोली मुझे दी तीन थर चेस्टा कर नब तो लोक बस भी यही तो कथा पैसा कितना से पांच थर छर जाइंटू पैसा मागिंट ये केवल पैसापी मो पाखे आज मुझे से पेपर देखे आई से पेपर से देखिए आज मुझे दस्खत कर लिखी ना ना हाँ मिछ कथा केवल टंका फाँकी देवाई जिन एपरिक छस फेरई देखते मात्र ढेर दिन गड़जी अटल जना नीताई को धार टा मगि मगि नयांत तो होगापर शनिवार मध्यान घर आसी टा नहीं तदनुजाई अटल जना घर को नीताई पत्नी योजनाबद्ध भाव सहयोगी पिला जरिया अटल वीडियो चित्र उत्तोलन करने सहित तो घर भितर अटल को अटक रखी धूम माड़ मारी विलंबित तो राति पर्यंत घरे रखी मन अजय मंडल ग्राम लुणाघेरी बोर्डकणी पोस्ट बोर्डकणी गत बार शनिवार दिन समस्या कौन दिन सारा मो पाखे कि खबर थिलानी राति 11टा समय रे जिते मो पाखे खबर आसला आम जम्बू सामुद्रिक थाना पुलिस सब जो आसते नीताई मिधा घरे जो आसते जो मुझे जगह उपस्थित थी खबर पाई मुझे जा गलापर से शुणा को मत पाइली जे जे दिन 11टा बेलू रात 11टा जाके मानने अटल जेना बेतवाली ग्राम अटल जेना को अटके रखी से अटल जेना से बहुत असुस्थ अवस्था थिले तापर जम्बू सामुद्रिक पुलिस थाना पुलिस से मैंने आंबुलांस 108 को डाकिकिना अटल जेना को मानने मेडिकल करते उपस्थित आमर गाँव रिच्छी पड़ोसी लोक बेतरे गाँव रूर्ण गाँव रिच्छी किसी भद्र व्यक्ति सब थी हाँ किसी लोक ना जाणी कहींपर से उपस्थित समय रात 11टा समय थी आमर बेतला ग्राम रघुगारू थे तापर आपणकर खीस्टान पड़ार बिटू बाबू थे तापर रात आपणकर पुपुनी बोली जड़े गोटे पिलाटा थिला तापर से आपणकर प्रदीप दास बोली जड़े थिला आज्ञा जनप्रतिनिधि सरपंच ना ना से माने के थिलानी आम गाँ पड़ोसी किसी बाहर भद्रलोक से सरपंच वार्ड नंबर से खबर पाई जम्बू सामुद्रिक पुलिस अटल को असुस्थ अवस्था उद्धार कर मेडिकल पठाई अटक समय नीताई और तार पत्नी रफा दफा पाई 5 लक्ष टंका देले आमे छाड़ीदेबु बोली अटल गणमाध्यम को कहते मुख्यतः तो उद्धार टंका फेरस्त नक उद्देश्य एभली कांड भिवार संदेह हो नीताई को पत्नी थाना अटल नाम बलात्कार अभियोग आणवा पूर्व अटल बहु आगु थाना निज जीवन सुरक्षा नहीं करते मो ना अटल कुमार जेना मो घर बेतबेलारी बोलगण पंचायत आउ समस्या आम गाँव में नीताई मिर्धा पिता अतुल मिर्धा से आम गाँव में रोते
बर्तमान से यूँ तक फैमिली डिस्टेंस कर बापा सहित प्रॉब्लम करी से नुणाघेरी गाँव में बसवास करती तार परिवार समस्या जो मो पाखु 2/11/2023 देढ़ लक्ष टा धार सूत्र छमास मत परिशोध कर छमास पर मुझे मागवर से मत धरा छुआ दौनी आओ कि मत आवेड करपट सेपट हो पल पल जा तो मु शनिवार दिन घर को जाइ जे मो पैसा शनिवार दिन 6:30 बेले सकाल 6:30 बेले जाइली मूल मूल तू तो कहलु धार नेलु तो परिवार असुविधा भी कहलु मुदेली छमास फेरीगला मो पैसाटा दौनु कहीं तू धरा छुआ दौनु ना ये करूनु आ पैसा पका ना नीताई मिर्धा की आज्ञा कहली आउ ना मुझ गाँ कमिटी और जी भद्रलोक थे नहीं उपस्थित कर मो पैसा शीघ्र पका से कहार से मत कहले 12 आस घर नहींजी तो मु 12 बेले से दिन शनिवार दिन 12 बेले घर को गली घर को गला बेलू नीताई नीताई कर डाकिली तो नीताई से उत्तर देलानी आउप नीताई ना नीताई कड़े गला आईसा दवा कथा कड़े गला बारटा बेल कही सका आसिक कही से बारटा बेल दवा कथा कड़े गला ना से काका आउ आस पैसा निय सीता मिर्धा ता स्त्री सीता मिर्धा आ मु तो जा पशि जा तो प्री प्लां पूर्व प्री प्लां कर आसिक मत कबाट फाट दे बाहर कबाट दे ये करके मत बांधि बुंधिक बस रखी मारा भितर पुतुरा गणेश मिर्धा पिता दीपचंद मिर्धा एवं सीता मिर्धा जो नीताई मिर्धार स्त्री एवं बाबू मंडल पिता ठाकुर मंडल से मैंने योजनाबद्ध करी मत टाइम दे कि मत यही आटाक कर जोर मारधर करी बांधिक खरारे बसईक राति दिन 12 राति 9:10 पर्यंत बांधिक बसईक रखिंट मुझ खाया पीवा किसी ना उपवास बस बाबद घरे गाँव रेम जाणला गाँ लोक आम घर लोक जा थाना एफआईआर जनला मत आसिक पुलिस मेडिकल नहीं मोर देह असुस्थ हो मेडिकल नहीं मत ट्रिटमेंट कर छाड़े मुझे बाबद नहीं आम मो स्त्री थाना एफआईआर कले हाँ बांधिया घर भाषा मारपीट धर कर भाषा भाषा करा और नीताई कला मत 5 लाख टाँह दिए आते निर्दोष खलास कर छाड़देवि कहे 5 लाख कौन मुझे भूल कर तु तो कहलु मुझे सका आसली मत 12 बेले दबु बोली कहलु मुझे आसली 12 बेले आने योजनाबद्ध कर ये कले मुझ टा 5 लाख टाँग कौन पर देवी तु नेलु धार 1.5 लाख टाँग पुणी मुझे 5 लाख टाँग तो कौन पर देवी यही कथा कहलापर मुझ बसी रही बसी रहा पैसा पत्र जोर आटा कले सी सब गाँ लोक गले जो वीडियो करी से वीडियो देखी गाँ लोक कले ये किसी ना ये किसी फेक नहीं किसी योजनाबद्ध कार्य किसी कर आम ए किसी बुझुन गाँ लोक सब पल पल आसे आम एफआईआर देलु बलात्कार आज्ञा ये जो टंका जो दवा न नदवा बाहन यही टाइप से प्री प्लान करी मुझ पशि जाइए सांगे सांगे जड़े ठाकुर पद पुओ जो बाबू मंडल से आज्ञा सी समय हटात से 12 समय आसिक स्वतंत्र से दूर रू वीडियो रेकर्डिंग कर आसिक उठेक ये अटाक कर योजनाबद्ध टाटा को किभली ढंग से फाँकी दब से चिंताधारा करी सी ए स्वतंत्र को मत गोटे डेट दे कि मुझे कथा जापार नहीं तेणु एवं यही परिस्थिति अनुभव कली मैंने पैसा नवा जाए मुझे सका प्रेसर देली मो धार नहीं छमास पूरी गलानी आउ मत टा दे से सब गोटे कहला मत 12 बेल दबी तापर 12 बेल योजनाबद्ध कर मो विरुद्ध यू कथा कर पुलिस घटनार अनुसंधान चलो जना पड़ी देखा जाऊ अटक रखी आईन को हाथ को नहीं नीताई मिर्धा न्याय पाउची ना न्याय भिक्षा करटल जना न्याय पाउची मो ना रघुनाथ गारू घर बेतबेलारी 14 नंबर वार्ड कौन है शनिवार कौन समस्या है आप शनिवार गाँव में जिते घर 10:11 फोन करूँ सारंकर सुई जाओ देख 12 बेले सुई जाओ देखेला सारंकर 12:20 आज्ञा सारंकर सुई जाओ देखेला देखला दि चार जन को पचारूँ
ଟିକେ ତାସ୍ଫାସ୍ ଖେଳାଖେଳି ହୁଏ, ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲୁ, କିଛି ସାର୍ଙ୍କର ଡାଟା ପାଇଲୁନୁ, ନ କହିଲେ ଆମେ ଚୁପଚାପ ରହିଲୁ। ଚାରିଟା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଛକ ଉପରକୁ ଆସୁଛୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ପିଲାମାନେ ବି କେହି କିଛି ଡାଟା ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ନ ଦେବା ପରେ ଆମେ ସେ ତା ଖୋଜିବା ଚକ୍କରରେ ରହିଲୁ, ସାର୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ସଦାବେଳେ ବସୁ ଉଠୁ, ଗୋଟେ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ, ଅଛନ୍ତି ସବୁ କଦୀପ ଦାସ, କିନ୍ତୁ ମିସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଖୋଜାଲଣା କଲୁ। କଲା ପରେ ରାତି 7:30 ବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଆସିଲା, କହିଲା ଅଟଲ ସାର୍କୁ ଗୋଟେ ଘରକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି। କାହା ଘର? ନା ନିତା ମିର୍ଦ୍ଧା ଘରେ। 10 ଦିନ 12 ସାର୍ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଖବର ପାଇଲୁନୁ। ଏଇସବୁ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆମେ ସବୁ ବିଚଳିତ ହେଲୁ। ହେଲା ପରେ 2-5 ଜଣ କଥାରକଥିରେ କଲୁ। କଲା ପରେ ଆମେ ଚାଲ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆମେ ଯାଇକି ସରପଞ୍ଚ ପାଖରେ ରାତି 9 ପହଞ୍ଚିଲୁ। ରାତି 9 ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସରପଞ୍ଚ ପୁଣି ସମସ୍ତ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଡକାଡକି କଲା, କହିଲା କ'ଣ ସାର୍କୁ ଏମିତି ବାନ୍ଧି ରଖିଛି, ଆଉ ଆସିଛନ୍ତି 14 ୱାର୍ଡ଼ରୁ, ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ଯିବା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଗାଯୋଗ କ'ଣ କରିବା, ନା ଟିକେ ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିକି ଆଗେ ଆସିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ତାଙ୍କ ନିତା ମିର୍ଦ୍ଧା ଘରେ, ସେତେବେଳେ 200 ଲୋକ, ଗାଁ ଲୋକ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଲୋକ 200 ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ସେତେବେଳେ ଦିହାତ ସବୁଙ୍କୁ ନ ଥରୁଛି, ଖିଆ ଖିଆ ନାହିଁ ନା କ'ଣ ଆମେ ଏତେ ଜାଣିପାରୁନୁ କିଛି, କିନ୍ତୁ ଦିହାତ ତା'ର ଟୋଟାଲ ଥରୁଛି ସାର୍ଙ୍କର। ଆମେ ଯାଇକି ପଚାରିଲୁ ଯେ ନିତାଇ ସାର୍ଙ୍କୁ କ'ଣ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛୁ, ଏ ରାତି 11 ହେଲାଣି, କ'ଣ ଦିନ 12 ସାର୍ଙ୍କୁ କ'ଣ ବସେଇ ରଖିଛୁ ରାତି 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ସେ ସରପଞ୍ଚକୁ ହୁଡ଼ିକି ଯାଛତା ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା। ଚିନ୍ତା କଲା ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଚାରିଲେ, କହିଲା ହଉ ତୁ ଯଦି ବାନ୍ଧି ରଖିଛୁ ରଖେ, ଆମେ ନହେଲେ ଯାଉଛୁ ଆଉ। ଏ କଥା କହିକି ଆମେ ଥାନାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଯାଇକି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯାଇକି ଜଣେଇଦେବା ଥାନାରେ, ଯାହା ହେବ ଯାଇକି ଥାନାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ 11:30 ଏଇଭଳିଆ ହେବ ରାତି 11:30 ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଥାନାରେ ସେଠି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲୁ। ଦେଲା ପରେ ସାର୍ମାନେ ଆସିଲେ, 4 ସାର୍ ଆସିଲେ। ଆମେ ବି ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଆଉ ସେଠାରୁ ଆସିଲେନି, ସେ ଥାନାରେ ରହିଲା। କହିଲା ମୁଁ ଏଠି ରହୁଛି, ସେଠି 4-5 ଆହୁରି ପିଲା ରହିଲେ ଥାନାରେ, 11:20 ରହିଲେ ସେଠି ଥାନାରେ, ଆମକୁ ପଠାଇଦେଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ ସାର୍ଙ୍କର ସାର୍ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାଇକି ଦେଖିବ। ଯେତେବେଳେ ଥାନାରୁ ସାର୍ମାନେ ଆସିଲେ, ସାର୍ମାନେ ଦେଖିଲେ ଖୋଟ ସାର୍କେ ଆସିଲେ, ଆସିକି ଦେଖିଲେ ସାର୍ ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ସାର୍ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ସାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 108 ଗାଡ଼ିକୁ ଡାକିଲା। ସାର୍ 108 ଗାଡ଼ି ଆସିବା ଟିକେ ଡେରି କଲେ, ପୁଣି ଅଲଗା ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରି ରାତି 12 ସାର୍ଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ମୁକେଳିଲେ, ମେଡ଼ିକାଲ ନେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲା, ମେଡ଼ିକାଲରୁ ତ ଆସିକି କ'ଣ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି ଆଉ କହିପାରିବିନି ଆଉ। ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ଶଶିଭୂଷଣ ରାଉତ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।